और ये आज डॉक्टर पी के ही गार्डनिंग हो रही है। लहसुन थोड़ा बहुत हो गई है, सूख गई ना ये। ये सूख गई है इसलिए। हाँ ये हो रही है, बट उतनी बड़ी हो नहीं रही जितनी हमने एक्सपेक्ट करा था। ये गुच्छे ये वाली हाँ, लहसुन है, गुच्छे वाली ये तो बिल्कुल ही है यार, बिल्कुल। पूरा गुच्छा है ना ये। और सिंगल वाले भी हैं, सिंगल वाला भी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये मिट्टी नहीं है ना यहाँ की इतनी अच्छी, सारा नीचे लाल मिट्टी हो, इतनी मिट्टी नहीं है। इसको अभी धोएंगे ना इसको, हाँ। तो इसकी मिट्टी हट जाएगी। नहीं मिट्टी तो हट जाएगी, बट मैं उसकी बात कर रही हूँ, साइज जैसे बड़ा नहीं है इसका ना, बड़े होते हैं जैसे बड़ी बड़ी लहसुन। तो इसका नाम है गुच्छे वाली लहसुन। ऑर्गेनिक लहसुन है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या मिला था ना। ये देखो ये क्या, तुम लहसुन निकाल रहे हो, मिट्टी निकाल रहे ये जकड़ा हुआ ना, इसमें साथ चिपका हुआ। ये देखो हाँ ये फिर भी बेटर है, ये ऐसी लाल मिट्टी है इसमें इसीलिए नहीं हो रहा ये। ये भी निकलने गया। हाँ ये देखो ये सही है, सिंगल नहीं, देखो कितना बड़ा है पौधा, ना। लहसुन इतनी छोटी। बट फिर भी उनसे तो बेटर है जो वो गुच्छे वाले, वो उसका ये देखो सही है। और ये बतुआ बथुआ, क्या तुम्हारे गांव में होता है? बथुआ हाँ हाँ होता होगा। बतुआ ये कहीं घास तो नहीं नहीं है? नहीं बथुआ भाई, और ये बीच में कहीं, हाँ इसको ही बोल रही थी मैं, और दो और हैं वो बीच में, एक ये है। हाँ ये देखो ये है, ये देखो ये दूसरी ये लहसुन है, है मस्त मस्त। वाली, क्योंकि ये सिंगल है ना, वो देखो उस पेयर में इतने सारे थे, तो ये वाला देखो ये भी निकालो। ये डिपेंड करता मे भी उसके नीचे मिट्टी, ये देखो ओ वाह ये है लहसुन। देखो तुमने जल्दी तो नहीं निकाल दी वो छोटी वाली। नहीं, नहीं जल्दी, नहीं स्पेस नहीं है ना, तो 5 किलो लहसुन तो मिली गई आज। और ये सूख रही है लहसुन, तो ऐसी रखनी है लहसुन सारी, धो के हमने रखनी सुखा है के, तो धो के सुखानी है। अभी तो ये 2-3 किलो निकल गई है, अभी तो बहुत सारा इसके दो तीन अंदर, किलो 2-3 किलो है ये। तुम उसका वेट भी कर रहे हो, हाँ भारी होती है उसका लहसुन, वेट क्यों कर रहे हो? नीचे लहसुन का वेट कर रहा हाँ हूँ, तो भारी फिर होती उसको है वॉश ये। करके फिर दिखेगी। अभी 3-4 किलो तो अंदर है, सारी निकलेगी ये। हाँ क्यों, 3-4 किलो नजर नहीं आ रही है? देख इतना है, आधा किलो ये, आधा किलो वो, तो इतना ही तो नहीं तो है। दिख ही रहा, आधे किलो तुम इस नहीं मच्छर। ये है 250 ग्राम के आसपास। ओके डॉक्टर। ये सिंगल वो, हाँ ये ये वाला, और बतवा तो हम लाए थे नहीं, ये बतवा तो खुद ही जम गया। बट सब्जी टेस्टी होती है इसकी। हाँ ये देखो ये है, यस और बस इसके अंदर तो वही था, इसलिए मैं बोल रही थी जो अंदर है इसके वो निकाल दो पहले। ये तो पत्ते, कुछ के पत्ते सूख गए हैं, हाँ वो दिख नहीं रहे ना। तो ओहो पत्ते तो उनके सूख गए हैं, हाँ और इसको पूरा खोदना पड़ेगा। जब वो बतवा हाँ बतवा जब के ये हो बाद जाएगा इसको खोदना पड़ेगा। तब और निकले तुझे पता है कि लहसुन क्या होता है? क्या होते हैं। ये कुछ लहसुन छूट जाते हैं ना इसके अंदर, हाँ ये अगले साल खुद ही लगेगी। हाँ वो तो है, इसको निकालो ये। हाँ इस वाले को यार नेक्स्ट डे ना यहाँ पर कुछ नहीं डालना, केवल लहसुन। इसको तो रहने दे, इसके बीज आ रहे हैं, लहसुन के बीज आते हैं, सीरियसली कहाँ है बीज? इस अरे लहसुन के हाँ बीज आते हैं। जैसे हमारे प्याज के आ रहे हैं हाँ ना। तो जिन पे बीज आ रहे हैं तो उनको रहने दो, ओके और जैसे जो जो सूख गए तो उनको निकाल दो। वो गॉड तुम्हें कहाँ दिखा रहे हो? वो कहाँ गया लहसुन? लहसुन का डंडा डंडा, खोदो उसमें होगी बाहर, ये रही ओ वाह। ये देखो ये देखो, ये बहुत नीचे था, ये हाँ ये है देखो इसका डंडा सूख डंडा। गया था। ये कौन है क्या यहाँ पे ये वाला? हाँ ये देखो, नहीं वही था जो काटा तुमने। अब होगा भी तो हमारे गांव में तो प्याज लगाते थे, लहसुन भी होती थी पर कम होती थी। आ तेरी तो कितना कह रहा है, यार ये मिट्टी देखो ना, इस वजह से भी तो नहीं हो रही, उसको कुछ मिला ही नहीं वहां पे, मिट्टी इतनी गंदी है यहाँ पे, जो काली मिट्टी होती है ये देखो वो उपजाऊ होती है, लाल मिट्टी है सारी यहाँ पे सारी।
सारे के सारे लाल है ना यहाँ पे, इसलिए। ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला दिख गया मुझे कितना बड़ा हो, सारे मिट्टी चिप। ये वाला निकालो, देखो वो छोटा वाला, वो देखो वहाँ पे। हाँ ये भी है और वो दूसरा। हाँ ये, ये तो हाँ वो है, क्या ये सौंफ का पेड़ है। सौंफ का पेड़? हाँ मैंने लगाया है, ओहो सौंफ का पेड़ हो रहा है ना। कैसे हो तुम्हें पता लग गया वो? अरे मैंने खुद लगाया भाई, बट लग गया वो वो तो अभी सूखा सा लग रहा अभी है। हरा ना, अभी सूखी नहीं रहा ढंग से। ओके और भी हो रहे हैं पर हरे हैं और बहुत इनफ है सारी। आज के लिए। रोलो भी ये क्या है, ये ग्रीन वाला तुमने छोड़ा जानबूझ के? ये तो बहुत ग्रीन है यार, ये उसको तो मैंने कहा रहने, आराम से निकाल भाई। ये तो तेरे को बहुत मना गहरा क्या है था यार ये, निकालने को? अब छोड़ो अब सब निकाल दो। कितना गहरा है ये तो कहाँ बीज, है ये? बीज वाला था ये, कौन सा यही बीज वाला। बीज वाला? तो वो है बीज वाला, तो ये है। तो उसके बगल में तूने सारा निकाल दिया। ओ गॉड सॉरी डॉक्टर पीजी, क्या हुआ, ये छतनाश कर दिया तूने, यार सारा तो काट दिया तूने, तुम निकाल दो प्लीज। तेरे बस की नहीं। रहने रहने, ये बीज वाली क्यों छेड़ रही है? ऐसा के उसको लिप कहाँ है बीज वो? ये अरे हाँ ये तो बीज वाले, दूसरी वाले निकाल। हाँ ये वाला, ये भी बीज वाला। ये वाला, ये भी निकाल दो बीज ही दोनों सारे। ये वाला, ये भी बीज वाला, हाँ दूसरा ये सीड आ गया इसका। उसके साथ वाला, ये क्या है, पेड़ है यहाँ पे, पेड़। ओ गॉड क्या पेड़ है, कटा हुआ पेड़ नहीं। अच्छा ये वाला जो हमने पेड़ काटा था। ठीक 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 अच्छा इसमें लहसुन तो आ रखे इसमें। ये बीज वाला कहाँ, इसको निकाल दो। सारा चिपके ना। अच्छा अच्छा लीव करो उसको, छोड़ छोड़। हाँ बीज है उसमें, दो तीन तो क्या फर्क पड़ रहा है, तीन ही रहते हैं बीज वाले। चलो और ये 5 किलो लहसुन और ये धुल के भी साफ हो गए। लहसुन धोते धोते मेरा दिमाग ख़राब हो गया पर फाइनली ये धुल ही गया। और ये लहसुन इसको लगे 6-7 महीने लग गए ना, और मेरा इसको होने में 6-7 महीने लग गए हैं। और ये देखो लहसुन की कंडीशन, इसको बांध के सुखा देंगे। और ये लहसुन टांग दिया, दो तीन महीना ऐसे रहेगा, सूख जाएगा दरी, इधर पानी नहीं गिरता इसलिए यहीं सेट हो जाएगा, सूख जाएगा। और ये छोटा वाला गार्डन, प्याज लगा हुआ इसमें, पालक लगा हुआ, छीमी लगा हुआ एंड मस्टर्ड के सीड हो गए। दूसरा ये पुदीना वाला, मिंट लगा हुआ और मिर्ची का पौधा। और तीसरा गार्डन उधर, छीमी लगा हुआ, प्याज लगा हुआ, पालक, ओ बड़ा वाला ये अंगूर का पौधा। और वो था लहसुन वाला गार्डन। आज का गार्डनिंग ख़त्म।